दोस्तों आज हम करने वाले हैं कपिल सिंह फोटो एडिटिंग और गाया की कपिल सिंह फोटो एडिटिंग करेंगे और बहुत ही आसान से कपिल सिंह फोटो एडिटिंग करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इस तरीके का पोज दे देना एक टेबल के नीचे, नहीं दोस्तों दीवार के नीचे पीछे पोज दे देना और उसे कटआउट कर देना। और कटआउट करने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, और शॉर्ट में आ जाना है और यहाँ से बैकग्राउंड का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ फोटो को, आपको कुछ सेम इसी तरह से फोटो को ऐड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके रखना है, जैसे दिख रहे हो सेम में जिस तरह से जिस जगह पे फोटो को रख रहा हूँ आपको सेम उसी तरह से रखिएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फोटो को डन कर लेते हैं ऊपर से जो राइटर हो है, यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी एडजस्ट करके एडिटिंग करेगा, ठीक है, एडजस्ट करके एडिटिंग करके रखेगा और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद हम जाएंगे एडजस्ट टूल में, एडजस्ट में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी ब्राइटनेस और हाईलाइट डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इरेजर में आएंगे और इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे फेस पर ऐड कर देंगे और कुछ इस तरीके का हो जाएगी। और आप अपने फेस में चाहो तो हेयर में डाल सकते हो, मुझे डालना अच्छा लगा तो मैं डाल दिया, आप चाहो तो आप डाल सकते हो। और क्या करते हैं, यहाँ से राइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। और उसके बाद जाएंगे आर्ट फोटो में, पीएनजी से एक पीएनजी लगाएंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। और उसके बाद सारा का सारा स्टेप को अच्छी तरह से देख कर जाएगा, अच्छे से एडिटिंग सीखे कर जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी एडिटिंग में। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम रोटेट कर लेंगे और वहाँ से ब्लेंड पर जाके स्क्रीन कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इरेजर में आएंगे, ठीक है, इरेजर में आकर और यहाँ से देख लेता हूँ मैं कैसा है इनवर्ट फिनवर्ट जो लाइट एंड वगैरह है, वहाँ से देख लेता हूँ किस तरह का लगता है। आप नॉर्मल रखे या फिर स्क्रीन भी रखे चलेगा। और यहाँ से इरेजर में आके फेस वाले पार्ट को आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है, फेस वाले पार्ट जो है। और यहाँ से फेस वाले पार्ट जो रह गया है मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और चाहो तो आप थोड़ा सा ब्राइटनेस डाल सकते हो, इसलिए मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस डाल दिया। और यहाँ से मैं फेस में थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसी तरह से सेम एडिटिंग करेगा, बिल्कुल बहुत ही गजब लगेगी। और हैंड पे जो है उसे भी हटा दीजिएगा। और क्या करेगा, यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेगा और यहाँ से मैं राइट पर क्लिक कर लेता हूँ और इसे डन कर लेता हूँ। और उसके बाद आर्ट फोटो पे जाना है और दो पीएनजी डालना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सब वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला जो पीएनजी है शिगार का, और यहाँ से स्क्रीन कर लेते हैं। और यहाँ से आपको इसे देखकर अच्छे से, मैं जिस तरह से सेम रख रहा हूँ वैसे रखिएगा, नहीं तो ये एडिटिंग नहीं हो पाएगी, नकली लगेगी, ठीक है। मैं जैसे रख रहा हूँ सेम वैसे रखिएगा तो अच्छी लगेगी, असली एडिटिंग लगेगी, बहुत ही गजब लगेगी एडिटिंग। और उसके क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ी सी रोटेट जो आपने एडजस्टमेंट करनी है। और यहाँ से इरेजिंग करेंगे, देखिए दोस्तों इरेजिंग कर लेंगे सारे के सारा पार्ट को जो हमें नहीं चाहिए, ये सब इरेजिंग हम कर लेंगे। और यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इरेजिंग करेंगे और यहाँ से भी इरेजिंग कर लेंगे। और क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं, डन कर लेते हैं। और आप चाहो तो अच्छी तरह से देख कर यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा रोटेट चाहिए मुझे, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। आप चाहो तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अच्छे से इरेजिंग कर सकते हो। और यहाँ से देखिए दोस्तों मैं ऐड कर लिया और यहाँ से इसे पीछे ले जाने, पीछे वाले जो सबसे लास्ट जो उंगली है उस पर लगाना है, ठीक है, तभी जाके अच्छी लगेगी, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी। फिर से जाएंगे आर्ट फोटो में और एक पीएनजी डालेंगे जिसका एक जो है टेक्स्ट वाले पीएनजी जो कबीर सिंह लिखा होगा और ऑफिशियल टेलर जो है उसका टेक्स्ट पीएनजी है उसे भी डाल देंगे। और कबीर सिंह पीएनजी को क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्लेंड पर जाएंगे, ब्लेंड ऑप्शन पर होगा, वहाँ से जाकर स्क्रीन कर देंगे
और यहाँ से देखिए दोस्तों हो चुका है, और इससे भी स्क्रीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह PNG वर्जन में है। और ऑफिशियल ट्रेलर को थोड़ी सी हाई कर लेते हैं, जैसे कि आपकी कोई ट्रेलर वेलर निकल रहा है ऑफिशियल ट्रेलर वेलर, और यहाँ से क्या करते हैं सेट कर लेते हैं और राइटर पर क्लिक करते राइट ऑप्शन पर, और मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, देखता हूँ अच्छे से सेटिंग करके रखिएगा ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा करके ऐड कर लीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ से क्या करते हैं डन कर लेते हैं, और यहाँ से दोस्तों डन करके बहुत ही आसान से सेट कर देंगे हम। सेट करने के बाद दोस्तों देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक PNG डालनी है जो आर्टो में जाकर ले आता हूँ मैं, और उसके बाद क्या करते हैं ये स्मोक वाली PNG जो है वो सब आपको डालना है, और इसकी इसको कुछ इस तरह से रखना है। देखिए दोस्तों मैं जैसे रखा इसे ब्लेंड करके स्किन कर लीजिएगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके का लगेगा फोटो, और स्मोक वाले जो है स्मोक सिगर पकड़े हुए है, और स्मोक जो आज बोल रहे हैं उस तरह से लगेगी फोटो, और यहाँ से और स्मोक चाहो तो ऐड कर सकते हो। दोस्तों कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों देखिए मैं ऐड कर दिया हूँ, और इसकी कैपेबिलिटी को घटा देता हूँ, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। I wanna see the light.